Welcome back to this channel. This is Vikas and in this session we will learn how to make the passive voice of modal verb. अगर कोई सेंटेंस मॉडल के साथ में बना हुआ है तो उसको हम लोग पैसिव वॉइस किस तरीके से फॉर्मेट करते हैं वो हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में. सो गाइस विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. वेल गाइस, जैसे आपको पता है कि मॉडल वर्ब क्या होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के जितना भी कुछ आता है वो सारे हमारे क्या होंगे, मॉडल वर्ब होंगे. और जैसे मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताया हुआ है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, ओनली क्या होता है, डू बी और हैव, इससे जितने बनते हैं वही केवल हेल्पिंग वर्ब होती हैं और सारे हमारे क्या होते हैं, मॉडल वर्ब होते हैं. जैसे मैंने बताया हुआ है डू और डस, ये हमारे क्या हो गए, हेल्पिंग वर्ब. और एक होता है हमारा डिड, इसका होता है इज, एम और आर, और इसका होता है हमारा वॉज एंड वर. ओके, एंड नेक्स्ट हो गया हमारा हैज, हैव एंड हैड. इनके अलावा अगर आपको कोई भी दिखता है वो सारे हम लोग क्या मानेंगे, मॉडल वर्ब. आई होप आप समझ गए होंगे मॉडल वर्ब क्या होते हैं, कैन, कुड, शुड, वुड, ये जो होते हैं, विल, मे, माइट, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल वर्ब बोलते हैं. सो गाइस यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल लिए हुए हैं एंड इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग नेक्स्ट 3 और एग्जाम्पल लेंगे जिससे हमारा ये अलग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. वेल गाइस फर्स्ट है हमारा यू कैन टीच अस, यू कैन टीच अस, आप हमें पढ़ा सकते हैं. तो पहला रूल में वही 6 रूल लगेंगे, 6 रूल जो आपको पता है, तो उन्हीं में से आपको क्या होगा, अगर आपको 6 रूल नहीं पता है तो ऊपर की वीडियो से हमने पहले पढ़ाया हुआ है वो आप जाके देख सकते हैं. तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा होवी. और यहाँ पे क्या हो जाए, मॉडल वर्ब कहीं भी चेंज नहीं होती है, मॉडल वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ में सेम मॉडल वर्ब आती है. तो वी के साथ में हम लोग क्या लगा देंगे, कैन, एंड जस्ट इसके बाद में आपको बी लगाना हो तो वी कैन बी, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, वी कैन बी टॉट बाई, और यू का हम लोग क्या लगा देंगे, यू लगा देंगे. ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट चेंज इन टू सब्जेक्ट, उसके बाद में कैन मॉडल वर्ब, एंड उसके बाद में आपको बी लगाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. कहीं पे भी अगर आपको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाती है तो आप बोल देना वो किसमें लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में. और हम लोग आगे अभी प्रैक्टिस जब करेंगे तो उसमें मैं आपको पूछूंगा कि बताइए ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं माय मदर शुड कुक फूड, माय मदर शुड कुक फूड, मेरी मम्मी खाना बनाना चाहिए. तो ऑब्जेक्ट हमने सबसे पहले उठाया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फूड. नेक्स्ट आ जाएगा हमारा शुड, फूड शुड बी. नेक्स्ट हो जाएगा थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया हमारा कुक्ड बाई, आगे हो जाएगा माई मदर. ओके, माई मदर. तो इस तरीके से ये सबसे सिंपल तरीका है मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाने में, बहुत ही आसानी होती है. बस आपको मॉडल वर्ब के साथ में क्या लगा देना है, बी, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है इट डजंट मैटर, सबके साथ में सेम मॉडल वर्ब लगाते हैं, वो उसके बाद में बी और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म. आगे हम लोग जैसा पढ़ रहे थे बाई और सब्जेक्ट चेंज इन टू ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट है हमारा राम माइट लर्न इंग्लिश, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, इंग्लिश, फिर माइट को हम लोग क्या लिख देंगे, माइट, एंड उसके बाद में हम लोग लगा देंगे बी, और लर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लर्नट, ये हो गया हमारा लर्नट, उसके बाद में बाई, और उसके बाद में हम लोग क्या लगा देंगे, राम. तो इंग्लिश माइट बी लर्न बाई राम. ओके, इंग्लिश माइट बी लर्न बाई राम. एंड उसके बाद में हम लोग लेते हैं 3 और एग्जाम्पल जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट और भी बेहतर तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए. सो गाइस हमने 3 एग्जाम्पल और लिए हुए हैं. तो फर्स्ट है हमारा आई वुड ओपन द लॉक, तो आई वुड ओपन द लॉक, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट के प्लेस पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा द लॉक. उसके बाद में आपको मॉडल वर्ब रख देना है तो वुड, उसके बाद में बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपेंड. द लॉक वुड बी ओपेंड बाय, और आई का हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, तो ये हो जाएगा हमारा मी. ओके, वेल गाइस आई होप कि ये आपको सरल लग रहा होगा, ये बहुत ही आसान तरीका होता है, सबसे आसान पैसिव वॉइस इसी का होता है. नेक्स्ट है यू मस्ट ओबे द रूल्स, तो सबसे पहले हम लोग क्या लगा देंगे, द रूल्स. देखिए यहाँ पे हमने ये प्लूरल ले लिया बट यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल कोई मैटर नहीं करता है, तो द रूल्स मस्ट, और उसके बाद में हम लोग लगाएंगे बी, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म हमारी हो जाएगी ओबेड, और उसके बाद में बाई, और यू का हमारा ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, यू ही होता है. ओके, नेक्स्ट हमारा आवर फादर कुड टीच अस हिंदी, यहाँ पे देखिए दो दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं एंड दो ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो हम ऑलरेडी पहले के वीडियोस में बात कर चुके हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट इनमें से ले लो, हमने चलिए ले लिया हिंदी, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे,
हिंदी, और उसके बाद में हम लोग क्या लेंगे कुड, हिंदी कुड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी टॉट, और टू अस का क्या हो जाएगा अस ही रहेगा, और उसके बाद में हम लोग क्या लगा लेंगे बाई, और उसके बाद में सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा बाई अवर फादर। ओके तो गाइज इस तरीके से आप इस मॉडल वर्ब को पैसिव वर्ब में चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो भी समझ में आया होगा। वेल गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम स्टे होम स्टे सेफ।